अपना जो लेक्चर है उस पर बेस्ड है कि हम छिमाई में जो पेपर आने वाला है साइंस का, उसकी तैयारी कैसे करें जिससे हम अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो इसके लिए पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे छिमाई में कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। पहले आप उन पाठों के नाम एक जगह लिख लें, उसके बाद जो है हम उनके प्रत्येक पाठ में देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन पर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो वो अच्छे नंबर उनसे हमको मिल सकते हैं। और आपको किसी पाठ में कोई परेशानी आ रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो वो आप मुझसे आज पूछ सकते हैं। आज अपन विज्ञान के तीनों, फिजिक्स वाला पोर्शन, केमिस्ट्री वाला पोर्शन और बायोलॉजी वाला पोर्शन, तीनों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग साथ में कॉपी भी रखें, पेन और कॉपी साथ में रखें, जिससे कि हम आपसे कुछ पूछें तो आप हमें बता सकें। मेरे पास भी बुक भी है, किताब कॉपी भी है, सब चीजें मेरे पास है। और आप लोग भी अपने पास कॉपी पेन, जिससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो लिखते जाइए आप, ठीक है। और मैं पूछूंगी आपको उस पार्ट में कोई परेशानी हो तो आप मुझे पहले बताइएगा कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उस बात को आपको समझा सकूंगी, ठीक है। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं कि छिमाई में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं विज्ञान के। तो पहला पार्ट एक आ रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फिर पार्ट दो आ रहा है अम्ल क्षार एवं लवण। पार्ट तीन आ रहा है धातु एवं अधातु। इससे 18 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो ये बहुत तीनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप चाहे तो किताब में टिक भी लगा लीजिए कि छिमाई है ना, सिक्स मंथली की, सिक्स से टिक दीजिए तो पता चल जाएगा कि हाँ ये पार्ट सिक्स मंथली में आ रहे हैं। और इसके बाद जो पार्ट पांच है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये जो चार पार्ट हैं, ये चारों पार्ट हमारे रसायन विज्ञान के हैं। इसके बाद जीव विज्ञान का एक पार्ट आ रहा है, वो है जैव प्रक्रम। इसके बाद जो भौतिकी का पोर्शन है, भौतिकी से हमारे चार पार्ट आ रहे हैं, पार्ट सात प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, पार्ट बारह विद्युत और पार्ट 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और पार्ट 15 जो है वो हमारा पर्यावरण। तो आपको जो तिमाही हुआ था वो सितंबर में हुआ था, सितंबर में जो और अक्टूबर में जो नए पार्ट जोड़े गए हैं उन पर हमको ज्यादा फोकस करना है, जिससे हम और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो सितंबर में जो पाठ पढ़ाया गया आपको वो था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और दूसरा पाठ था विद्युत। इसके बाद जो अक्टूबर में आपको पढ़ाया गया वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस प्रकार से और आप जो है अब हम इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इन सभी पाठों से जितने पाठ हैं अभी हमने आपको बताए, कितने पाठ आ रहे हैं, तीन और तीन छह और तीन नौ। तो इन पाठों से जो है एक एक नंबर के प्रश्न तो आएंगे ही, तो हम सबसे पहले एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर लें। आपके पास मॉड्यूल भी आया होगा, उस मॉड्यूल से भी आप एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं, तो आपके जो है 20 नंबर का तैयार हो जाएगा। अब हमको जो है
बकाया थ्योरेटिकल करना है कि लिखित में जो लिखना है उसके लिए अब हमें तैयारी करनी। तो हम सबसे पहला रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण पर चलेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये पार्ट आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, तो हम पढ़ाने पर आपको ज्यादा जोर नहीं देंगे। हम इसको जो है संक्षिप्त रूप में हम कैसे तैयार कर लें जिससे हमारे जो है अच्छे नंबर आ सके। तो इनमें हमें छोटे छोटे प्रश्न दिए रहते हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी हल करें। साथ में जितने क्रियाकलाप जो आपको दिए जाते हैं उन क्रियाकलापों को भी अब करके तो अब देखने का समय है नहीं, तो हम उनको जो पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस पर हमको उनके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे और आपको कराया भी गया होगा। तो सबसे पहले जो है प्रश्न, हम छोटे प्रश्नों को भी साथ में देखते जाएंगे उनसे जुड़े हुए। तो सबसे पहला एक प्रश्न जो इसमें मैंने जुड़ा कि वायु की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, क्योंकि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं रिबन को तो व्हाइट हो जाती है मैग्नीशियम, तो वो व्हाइट क्यों हो गई? तो वो वायु की उपस्थिति में जली है तो व्हाइट हो गई, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? तो हमें अभिक्रियाओं के बारे में पहले देखना है कि अभिक्रियाओं के नाम हमको पता होना चाहिए। जैसे वायु की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अगर हमें अभिक्रियाओं के नाम याद होंगे तो हम उनको डिफाइन उनको कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो वो अनऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो एक ऑक्सीकरण, इस प्रकार से हम अभिक्रियाओं के नाम भी याद करेंगे। साथ में सबसे पहले अब हमें समीकरण लिखना है, तो समीकरण हम कैसे लिखें? तो इस पर जो है आपको समीकरण लिखने के लिए आपको प्रतीक याद होने चाहिए हर एक के। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है ना, तो इन चीजों को हमें लिखना आना चाहिए कि हाइड्रोजन को H लिखा जाता है, क्लोरीन को Cl लिखा जाता है ना, और कोई भी तत्व जो है वातावरण में स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जा रहे हैं, परमाणु अवस्था में नहीं पाए जा रहे। वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? अणु अवस्था। और उनकी अणु अवस्था क्या होती है कि दो परमाणु आपस में मिलके क्या बना देते हैं? अणु बना देते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। ये जौरा मुरैना, यहाँ कोई कस्टोडियन टीचर नहीं है क्या? ये बच्चे जो मोबाइल से, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, आज हम छमाई के पेपर का बता रहे हैं कि आप किस तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है इसमें हमको मुख्य रूप से समीकरण लिखना आना चाहिए। समीकरण लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सबके प्रतीक याद होने चाहिए और सबकी जो है उसका सूत्र लिखना आना चाहिए। अब हमने आपको बताया था जैसे ऑक्सीजन है हमारे वातावरण में खूब घूम रही है, लेकिन वो परमाणु अवस्था में नहीं पाई जा रही। वो कौन सी अवस्था में पाई जा रही? अणु अवस्था में। अब हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जल बनाते हैं। अब आप लिखिए इसको समीकरण में, तो आपको हाइड्रोजन का प्रतीक आना चाहिए कि हाइड्रोजन को एच से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से प्रदर्शित करते हैं, और ओ मतलब परमाणु अवस्था। तो जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनाएंगे। जैसे दो हाइड्रोजन आपस में मिले तो एच टू हो जाएगा, एच टू। ऑक्सीजन दो मिले तो ओ टू, और ओ देंगे जल, और जल का सूत्र आप सबको पता है कि H2O। अब H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हमने जो अभिकारक में लिखा था वो O2 लिखा था, और जबकि बाद AO कहाँ चला गया? तो मतलब हमको इसमें द्रव्यमान
अभिकारक के द्रव्यमान और उत्पाद के जो द्रव्यमान है दोनों बराबर होना चाहिए। जितने हाइड्रोजन इधर है उतने ही हाइड्रोजन उधर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन इधर है उतनी ऑक्सीजन उधर होने चाहिए। तो यही समीकरण लिखने की सबसे पहली शर्त यही है कि एक तो आप पहला प्रतीक सही लिखें, दूसरे नंबर पे हमारे जो परमाणु द्रव्यमान है मतलब परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ, है ना। तो जैसे H2 प्लस O2 क्या बना, H2O, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन दो है, लेकिन जब जल बना तो हाइड्रोजन दो बन हुए और ऑक्सीजन एक ही रह गया, तो एक ऑक्सीजन कहीं होना चाहिए। तो एक ऑक्सीजन किस रूप में निकलेगा, नवजात रूप में निकलेगा। या और दूसरा अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो नवजात रूप में तो नहीं निकलेगा। अब हम इसमें समीकरण का संतुलन बनाने के लिए क्योंकि हम तो हम क्या करेंगे कि जो परमाणु की जो संख्या का जो इम्बैलेंस हो गया है मतलब है ना, पल्ला एक पल्ला भारी हो गया छोटा हो गया, क्योंकि उत्पाद और वो अभिकारक दोनों के पल्ले एक समान होने चाहिए, दोनों का भार एक समान होना चाहिए। अब भार ऊपर नीचे हो गया तो हम क्या करें कि इसमें गुणा करके भी हम परमाणुओं की संख्या का संतुलन कर सकते हैं। अब यहाँ पर H2O और O2, अगर हम O2 दो कर दें तो क्या हो जाएगा, 2O2 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 3 रह जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वहां 3 कर दें यहाँ 2 कर दें तो हम इस तरीके से गुणन विधि के द्वारा भी संतुलन को कर सकते हैं। तो ये संतुलन जो है हमको इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो एक तो परमाणुओं की संख्या को हम संतुलन करने के लिए हिट और ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज अब हमें, तो आपको समीकरण लिखना आपको आया होगा समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम हो समीकरण लिखने में तो आप हमें बता सकते हैं, किसी को समीकरण लिखने में कोई प्रॉब्लम आती हो लिखने में समस्या आती हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए तो हमने आपको बताया कि समीकरण लिखने के लिए पहले सबसे पहले हमें परमाणुओं के प्रतीक याद होने चाहिए और रसायनों के सूत्र याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल दिया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे लिखा जाता है, उसका सूत्र क्या है, HCl। तो ये जो है ये सूत्र है और एक परमाणु के जो हम सूत्र लिखते हैं उसको प्रतीक कहते हैं। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। फिर हमारा दूसरा क्या हो गया कि हमें परमाणु द्रव्यमान का संतुलन करना आना चाहिए, परमाणु की संख्या जितनी हाइड्रोजन की क्लोरीन की जितनी इधर है उतनी ही वहां होनी चाहिए। जितने भी जो भी परमाणु अभिकारक में दिख रहे हैं जितनी संख्या में दिख रहे हैं उतनी ही हमको उत्पाद में उतनी ही संख्या में दिखने चाहिए, बना आपस में लेना देना, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की संख्या दोनों की समान होने चाहिए। और अगर परमाणु द्रव्यमान की संख्या समान नहीं हो रही है तो हम गुणा करके परमाणुओं की संख्या का संतुलन कर लेते हैं, उसको हिट एंड ट्रायल विधि, मतलब एक बार में नहीं होगा दोबारा प्रयास करोगे दोबारा नहीं होगा तो तीसरी बार में वो हो जाएगा, इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। बार बार ट्राई करते हैं है ना, एक जगह ऐसी आ जाएगी जहां आपके अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान हो जाएगी। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें दूसरी चीज जो देखनी है, पहला तो हमें समीकरण इस पार्ट में समीकरण लिखना सीखना है, दूसरा चीज जो हमको देखनी है वो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं और उनको उदाहरण के सहित देखना है, ठीक है। तो उदाहरण के सहित जब आप देखेंगे तो आपको पांच प्रकार की, पांच क्या हम उसको अगर छह भागों में भी बांट सकते हैं, छह प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमको देखने को मिल रही हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अब हम अभिक्रियाओं के नाम जब पढ़ेंगे तो हमें उनका अर्थ समझ में आना चाहिए।
संयोजन का मतलब क्या है? अगर आपको संयोजन का अर्थ समझ में आता होगा तो आपको परिभाषा लिखने की याद करने की आवश्यकता ही नहीं है और सूत्र समीकरण अपने आप याद हो जाएगा। अब संयोजन मतलब है जोड़ना, ठीक है? संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो कोई दो परमाणु अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन आपका संयोजन अभिक्रिया का, जैसे आपकी किताब में उदाहरण दिया हुआ है, किताब भी साथ में आप खोल के रखिए। जैसे ये पेज नंबर 7 है आपका, पेज नंबर 7 बहुत सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। कैल्शियम ऑक्साइड जो आप घर चूना लाते हैं ना, मार्केट से चूना लाते हैं, लिए उसका ये सूत्र है, उस चूने का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। ये ठोस अवस्था में लेके आते हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं, रात को पानी में डाल देते हैं, तो पानी से क्या होता है, चूने का पानी तैयार हो जाता है, हम है ना, फिर घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को लाए और पानी में घर में डाल दिया मटके में, तो जो पानी है उसका सूत्र क्या होता है, H2O, और वो कौन से अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था। अवस्थाओं को भी लिखना जरूरी है और साथ में नाम लिखना भी जरूरी है। H2O लिखने से काम नहीं चलेगा, H2O के नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि जल, ठीक है? और अब उत्पाद क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन से जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जब ऑक्सीजन से कोई अभिक्रिया होती है तो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है? तो ये दो अंतर आप याद कीजिए, आपको नाम रटने की आवश्यकता है ही नहीं। तो कैल्शियम तो कैल्शियम है ही, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और आपने सबने चूने का पानी सबने देखा है, घोल देखा है, तो इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने घरों में देखा होगा कि इसमें ऊर्जा निकलती है, गर्म हो जाता है मटका, गर्म हो जाता है, तो ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका एक ये उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये एक समीकरण दो अभिक्रियाओं के लिए काम आ जाएगा आपका। एक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है? अगर आपको समीकरण संतुलन करना आता है तो आप देखेंगे कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। इस प्रकार से बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे, तो आप उन उदाहरणों को देख सकते हैं। तो आपको जो उदाहरण मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही अभिक्रिया में ही उपयोग हो, वो एक से ज्यादा अभिक्रियाओं में भी उपयोग हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो अभिकारक आपस में मिलकर एक कोई उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ही उत्पाद बना, वो है बुझा हुआ चूना। ना तो कोई ऑक्सीजन निकली, ना कोई हाइड्रोजन निकली, ना कोई जल निकली, कुछ भी नहीं निकला, ठीक है? तो ये इसको संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। अब देखते हैं दूसरी, इसी की उल्टी, इसी का उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन मतलब होता है टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना, तो वियोजन मतलब टूटना। तो जब कोई अभिकारक दो अणुओं में, दो उत्पाद में टूट जाए तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक उत्पाद से दो, एक अभिकारक से दो उत्पाद बन जाए, तो ये इसका उदाहरण आपको मिलेगा पेज नंबर 9 पर। अब हम तो वो उदाहरण लें जो आपने देखा हो, जैसे हमने अपना पहला उदाहरण लिया था चूना, चूना आप सबने देखा था, तो आपको चूने का समीकरण लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम दूसरा उदाहरण जो वियोजन अभिक्रिया के लिए ले रहे हैं वो है चूना पत्थर। तो आप सबने संगमरमर देखा होगा,
तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चूना पत्थर है, इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अब बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, बुझा हुआ चूना नहीं है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, क्योंकि हम ये अभी इससे पहले आपको उदाहरण में बता चुके। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में घुला हो तब वो बुझा हुआ चूना है, लेकिन यहाँ पे ये गलती है यहाँ पे किताब में, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि आप पहले पहले पेज 7 नंबर पेज पे आप देख चुके हैं इसको। तो ये दो उत्पाद इसने बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो हमको दो उत्पाद मिले, एक उत्पाद मिला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा उत्पाद मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट दो उत्पाद टूटना, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अभिकारक जब दो या दो से ज्यादा भागों में टूट जाए तो हम कहते हैं उसको वियोजन अभिक्रिया। अब आपकी मर्जी है, आप कितने भी उदाहरण याद कर सकते हैं, और आपसे नहीं बनता है तो आप एक उदाहरण पढ़ लें और याद उसको कर लें जो आपने देखा हो। तीसरा उदाहरण आता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन का मतलब, ठीक है, जैसे आप अभी जहां बैठे हो आप उसके कहीं और चले जाओगे, कहीं जाके और बैठ जाओ, तो उसको क्या कहेंगे, विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो तत्व रहते हैं या यौगिक रहते हैं उनमें, यौगिक जो होता है दो तत्व या दो यौगिक, तो दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलते हैं तो दो या दो से अधिक तत्व होते हैं ये अपनी जगह बदल देते हैं, ये किसी दूसरे दूसरे यौगिक के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको विस्थापन। अभी किसी और यौगिक के साथ जुड़ा था और फिर जाके जब अभिक्रिया होगी तो ये किसी और यौगिक के साथ जुड़ जाएगा, अपनी जगह बदल देगा, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए आपको, आप सबने आपने क्लास में किया भी होगा, कॉपर सल्फेट का पानी लिया होगा, नीले रंग का पानी, कॉपर सल्फेट का पानी, और उसमें कील डाल दी होगी, तो आपने देखा होगा कि कॉपर सल्फेट का जो पानी है वो कैसा हो गया होगा, रंगहीन। कॉपर सल्फेट का पानी जो नीले रंग का था वो कैसा हो गया था, रंगहीन, क्योंकि जो कॉपर था उस कॉपर सल्फेट से हट गया, कॉपर आयरन ने कॉपर को हटा दिया सल्फेट से और खुद जाके सल्फेट के साथ जुड़ गया। ये आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा। हम तो सिर्फ आपको एक एक उदाहरण के द्वारा जो अभिक्रिया है उसकी परिभाषा समझा रहे हैं। आपको जब परिभाषा समझ में आती होगी तो आपको उदाहरण याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उदाहरण दिया भी होगा तो आपको अभिक्रिया पहचान में आ जाएगी कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है ना। मान लो आपके सामने एक अभिक्रिया, हमने समीकरण लिख दिया कि Fe प्लस CuSO4, एरो लगा दिया, FeSO4 प्लस Cu, तो हम आपसे पूछ सकते कि कौन सी अभिक्रिया है, अब आप बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो हम कैसे पहचानेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर Fe अलग पड़ा था, अब जाके Fe किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ जुड़कर FeSO बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया या आयरन सल्फेट बना दिया, और कॉपर को हटा दिया वहां से, तो मतलब आयरन ने भी अपनी जगह बदल दी और कॉपर की भी जगह बदल दी, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो देखेंगे यहाँ पर विस्थापन अभी किसका हो गया है, आयरन का, या हम कह सकते हैं कॉपर का विस्थापन हो गया, ठीक है। आयरन तो जुड़ गया जाके और कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, तो अभी कॉपर सिर्फ हटा है तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगर उसमें
आयरन भी अपनी जगह बदल देता तो इसको द्विविस्थापन कहते। जब दो परमाणु अपनी जगह बदलते हैं तो उसको द्विविस्थापन कहेंगे, और जब एक ही बदले तो उसको विस्थापन। तो यहाँ किसने जगह बदली, यहाँ पर कॉपर ने अपनी जगह बदली। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपका पेज नंबर 13 पर उदाहरण दिया हुआ है 1.27 पर Na2SO4। आप किताब भी साथ में देखते जाएं तो आपको बहुत जल्दी हम 2 घंटे के अंदर पूरी छिमाई में जितने पार्ट आ रहे हैं उन सबका शॉर्ट फॉर्म में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये 2 अभिकारक हैं, इनमें आपस में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में सल्फेट से सोडियम जुड़ा हुआ है, लेकिन जब उत्पाद बना तो सल्फेट से बेरियम जुड़ गया और अभिकारक में क्लोरीन से बेरियम जुड़ा था, लेकिन जब उत्पाद बना तो क्लोरीन से सोडियम जुड़ गया। तो सोडियम क्लोराइड तो आपको मालूम है कि नमक का सूत्र है, और बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पर सोडियम ने भी अपनी जगह बदल दी और भी अपनी जगह बदल दी, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर जो आपकी अभिक्रिया है वो है उपचयन और अपचयन। उप और अप में क्या अंतर है, चयन तो दोनों में बराबर चल रहा है ना, तो हम उप और अप में अंतर देखेंगे। तो उप मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को आ होना चाहिए था लेकिन उप बना हुआ है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ कोई परमाणु जुड़ता है तो उसको उपचयन कहते हैं। और जब कोई सूत्र में से ऑक्सीजन हटता है तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या किसी सूत्र में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी सूत्र में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको कहते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। और जब सूत्र में से ऑक्सीजन हट जाएगा अथवा हाइड्रोजन जुड़ना ही पड़ेगा, और हाइड्रोजन जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए, तो उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हमको सिर्फ इनके क्या करना है, उदाहरण याद कर, उदाहरण देखना है। उदाहरण है कॉपर। अब आपके घरों में वैसे भी आप देखते होंगे कि तांबे का लोटा होता है, ये MPS रीवा, सीधे बैठो, हाँ आप ध्यान से सुने बेटा, खेलने की जरूरत नहीं है अभी। अगर आज आप 2 घंटे ध्यान से सुन लेंगे बात को तो आपको उस समय एग्जाम के समय दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉपर, आपने तांबा हर घर में देखा है, तांबा आप सुबह अच्छे से धो के रखते हो, फिर दोपहर को देखते थोड़ा सा मलिन हो गया है, उसका रंग थोड़ा बदल गया है। क्यों बदल गया है, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर दी है। तो आपको मालूम है ना 21% ऑक्सीजन पर्यावरण में पाई जा रही है, तो ऑक्सीजन बहुत सक्रिय धातु है, बहुत अभिक्रियाशील धातु है। एक हाइड्रोजन भी बहुत अभिक्रियाशील धातु है और एक ऑक्सीजन भी बहुत अभिक्रियाशील धातु है, अधातु नहीं कहेंगे, गैस है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, तो ये धातुओं के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है। तो हमने तांबा सुबह धो के रखा अच्छा, और पूजा की और रख के छोड़ा, शाम दूसरे दिन फिर धोना पड़ता है। क्यों धोना पड़ रहा है, क्योंकि तांबे ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली और करके क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो ये वायु की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो धातु का क्या हो गया, तांबे का ऑक्सीकरण हो गया। तो ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, बताओ MPS रीवा, बता सकता है कोई कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है
आप वो लीजिए हाथ में माइक, माइक लीजिए, कोई भी बता दीजिए। अभी नसरुल्ला गंज सीओर से भी पूछेंगे। माइक नहीं है आप लोगों के पास? चल वहीं खड़े होके बोलिए, वहीं खड़े होके बोलिए, कोई जरूरत नहीं बाहर आगे आने की। जहाँ खड़े हैं आप लोग वहीं खड़े होके बोलिए। हाँ माइक से आवाज नहीं आ रही है, माइक से आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही आवाज। कोई और बताए? चलिए कोई और, कोई और बताए? ग्वालियर के बच्चे बताए, बताइए कौन सी अभिक्रिया हो गई? कार्बन कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन की अपचयन? नहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए माइक किसी का भी नहीं चालू। ये नसरुल्ला गंज सीओर माइक है कि नहीं है? ग्वालियर के बच्चे किसी के पास माइक नहीं? माइक रखिए साथ में। हाँ देखिया देखिया, ठीक, थैंक यू। ये उपचयन अभिक्रिया है, आप लोग माइक रखिए क्योंकि एक तरफ से बात नहीं होगी, दोनों तरफ से चलेगी बात, ठीक है? तो जिससे क्या है कि आपको भी इंटरेस्ट आएगा और हमको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, है ना? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं पहले आप ये बताइए, आपको समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। चलिए रीवा को समझ में आ रहा है, सीओर को, ग्वालियर के बच्चों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए कम हाथ उठ रहे हैं, ठीक है कोई बात। तो आपको उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण बता दिया। इसी में ही अब दूसरा क्या हुआ कि हम है ना फिर सुबह बर्तन, वही तांबे का बर्तन लेके आए तो देखा कि उसपे थोड़ा सा वो कैसा हो गया, डल हो गया ना, उसका रंग थोड़ा सा हट गया। तो हमने क्या कर दिया, उसको पानी से साबुन से अच्छे से रगड़ा। तो जब साबुन से उसको रगड़ा तो वो क्या हो गया, फिर से साफ हो गया। तो जब हमने, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर ली और कॉपर ऑक्साइड का CuO है, पेज नंबर 13 में नीचे दिया हुआ है। तो O हट गया, अब यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ी लेकिन ऑक्सीजन हट गई। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन अगर हटती है तो अपचयन अभिक्रिया हम इसको कहेंगे। चलिए तो अब आपका लास्ट पे आता संक्षारण और विकृत गंधिता। तो ये सब का आपने बहुत अनुभव किया है ना? संक्षारण आपने देखा होगा, लोहे में जंग लगना, वो सब संक्षारण है। संक्षारण मतलब धातु का क्षरण होना, क्षरण मतलब हानि, है ना? तो अगर धातु में क्षरण हो रहा है और वो नमी की वजह से होता है या ऑक्सीजन की वजह से हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए, तो धातु अपना रंग बदल देती है तो उसको क्षरण कहेंगे, है ना? वो फिर काम के लायक नहीं मिलती है। जैसे लोहे में जंग लग में हरा हरा रंग आ जाना, वो क्षरण का उदाहरण है। तो संक्षारण जो है ये हमारे लिए हानिकारक है और इसका प्रमुख कारण, संक्षारण का प्रमुख कारण क्या है, ये अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आ जाए, किसी अम्ल के संपर्क में आ जाए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल, ये धातु इसके संपर्क में आ जाए तो धातु में संक्षारण होगा, धातु गलेगी। या फिर नमी के संपर्क में, जैसे लोहे को हम बाहर छोड़ देते हैं तो पानी में वो गल के जंग लग जाती है, या हम तांबे के बर्तन में पानी छोड़ दें तो तांबा के ऊपर हरे रंग का एक रंग दिखाई देने लगता है। तो ये संक्षारण के उदाहरण है
असंधारण अम्लता और आद्रता के कारण होता है और यह हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, संचारण हमारे लिए हानिकारक है, इससे धातु जो है कि हानि होती है। और विकृत गंधिता आपने खूब देखी होगी, आप मार्केट से कोई चीज तले तली हुई चीजें आप ले आओ या सुबह तलो और एक दिन रखी रहने दो, दूसरे दिन उसको सूंघो तो आपको गंध अलग आएगी। ठीक है, तो हम कोई भी चीज खाते हैं, रखी रखाई चीज खाते हैं तो हम पहले उसको सूंघते हैं कि ये उसमें गंध कैसी आ रही है, अगर बदबू जैसी आ रही तो हम उसको हटा देते कि खराब हो गई। ठीक है, तो बदबू को विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस कोई भी चीज हमें मार्केट से हम खरीदते हैं तो पहले हमें उसको सूंघना चाहिए। गंधिता आपको दिख रही है तो उसको फेंक देना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि तो अगर आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी मार्केट से कोई चीज लें तो पहले आप उसको सूंघे जरूर। चलिए, ये एक पार्ट हो गया। इस पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दीजिए, नहीं तो हम नए हाथ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हाथ खड़ा कीजिए और आप हमें हमसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम नए पार्ट पे चलते हैं। चलिए, कहीं से हाथ नहीं उठा। अब हम पार्ट दूसरे पे जाते हैं, आपके पढ़े हुए पार्ट हैं और आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अब समझ में आ जाएगी। हमने आपको बता दिया कि इस पार्ट में दो ही चीजें आपको देखनी है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब आपको रासायनिक समीकरण नहीं देखना है तो छोड़ दीजिए उसको, आप सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं पे ध्यान दीजिए। पांच रासायनिक अभिक्रिया याद करके चले जाइए, आपका पेपर हो जाए। ठीक है, चलिए अब आता दूसरा पार्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, तो इसमें तीन चीजें आ रही है, एक अम्ल आ रहा है, एक क्षार आ रहा है और एक लवण आ रहा है। इन तीनों का आपने बहुत अच्छे से उपयोग किया है ना? आपको खट्टे फल आपको अच्छे लगते हैं? आप नींबू संतरा पसंद करते हो कि नहीं करते हो? और क्या पसंद करते हो? कैथा है ना, जिसको कबीट कहते हैं, आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है कबीट खाना है, तो ये सब है ना। तो लेकिन कबीट जो है क्षार है, कच्चा है संतरा, अगर कच्चा है तो ये अम्ल है। ठीक है, और ऐसे ही आप अगर आम कच्चा खाएंगे तो वो भी अम्ल है। लेकिन आप नमक घर में खाते हैं सब लोग, तो आप लवण है वो। ठीक है, तो हम तीनों को पहचाने कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। तो अम्ल जो होता है ये जो है खट्टे होते हैं स्वाद में, दूसरा हम इनकी पहचान कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम स्वाद से ही पहचान लेंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। ठीक है, तो हमें तीनों को पहचानना है, तो पहले हम स्वाद से पहचानेंगे कि अम्ल जो है खट्टा होता है स्वाद में, क्षार जो है वो कसैला होता है। आप वो भी खा सकते हो, अभी सीताफल बहुत आ रहा है ना, तो आप कच्चा सीताफल खा के देखना कि खट्टा लगता है कि कसैला लगेगा। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप पहचान लोगे कि क्षार क्या है। तीसरा है लवण, लवण आप नमक खाते ही हो सब, तो इनका लवण का स्वाद जो होता है थोड़ा तीखापन लिए होता है, नमकीन लिए हुए है ना, नमक लिए हुए नमकीन। दूसरी पहचान हम अम्ल और क्षार में करेंगे, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर ही लवण बनाते हैं, ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो लवण को हम बाद में देखेंगे, हम तो पहले अम्ल और क्षार को देख लेते हैं। बहुत सरल सा पाठ है और आप सब उपयोग करते हैं अम्ल और क्षार का, और अम्ल और क्षार आपस में मिलके क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, ये बात है। ठीक है, तो अब हमने दूसरी पहचान जो करेंगे वो हम करेंगे उसकी
पहनेंगे आप पीएच से भी पहचान कर सकते हैं। और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, लिटमस, ठीक है, लिटमस पत्र से आपने सबने पहचान की होगी। तो दूसरा जो गुण है, गुणधर्म पढ़ेंगे हम, ये हमारे भौतिक हैं, गुणधर्म है क्योंकि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, अभी रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हो रही हैं। तो दूसरा भौतिक गुण क्या होगा, लिटमस से पहचान। लिटमस डालेंगे, अम्ल, अम्ल में ला आखिर में होता है ना, तो अगर लिटमस लाल हो जाए, है ना, अम्ल में ला, और लाल तो लाल होगा नहीं, लाल कौन होगा, नीला, है ना, दो प्रकार के लिटमस आते हैं ना, एक लाल और एक नीला। तो अगर लाल लिटमस, नीला लिटमस लाल हो जाए तो मतलब अम्ल है ना, तो आप करके दे सकते हैं, रखना नींबू में, जैसे वो लाल हो जाए तो मतलब ये अम्ल है। और अगर नीला लिटमस नीला ही रहे तो क्या मतलब है, तो इसका मतलब वो अम्ल नहीं है, है ना। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते, कि हमने एक विलयन लिया और उसमें नीला लिटमस डाला, वो नीला ही बना रहा, बताइए कौन सी, कौन सा है, मतलब विलयन का विलयन कैसा है, अम्ली है कि क्षारी है। अब भाई ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, आप में से कोई उत्तर दे सकता है क्या? चलिए आपका माइक तो हो तो आप बताइए, भैया माइक खोला करो, माइक चालू करो तभी बता पाएंगे आप। चलिए कोई भी बता दीजिए, जिसका माइक चल रहा हो बता दीजिए। ये धार, बागदार, एमपीएससी बागदार, धार के बच्चे बता दीजिए, कोई भी, सभी में से कोई भी बता सकता है। हेलो मैम। हाँ बोलिए बेटा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, छार है, छार है, हाँ वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थैंक यू, सियोनी से बोले है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें क्या है हर चीज में ना एक उसको खेल रूप में लेना चाहिए, और उससे हम एक ही चीज ना याद करें, उससे कई चीजें निकल के आती है। ऐसे ही लाल लिटमस हम किसी विलयन में डाले और लाल ही बना रहे तो वो विलयन क्या होगा, वो विलयन अम्ली कहलाएगा, ठीक है। अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है तो विलयन अम्ली है, अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो विलयन क्षारी है, और लेकिन अगर वो अपना रूप नहीं बदलते हैं तो नीला नीला ही रहता है तो क्षारी है, और लाल लाल रहता है तो मतलब अम्ली है विलयन, ठीक है। इसके अलावा मिथाइल और भी सूचक हैं, नहीं अभी नहीं। इसके अलावा एक और भी है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन, इसके द्वारा भी हम जो है अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए हमें एपरेटस चाहिए, तो आप ये भी एक लिटमस सबसे सरल माध्यम है, और ये भी एक माध्यम है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन, ये दोनों सूचक हैं, ये अम्ल और क्षार पहचानने के लिए हैं। इसके अलावा अब हमको जो देखना है कि जो अम्ल है और क्षार है ये धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अम्ल जो होता है वो अम्ल, आपको पता होंगे कि अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो पहले आपको अम्लों के नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से अम्ल हैं और कौन कौन से क्षार हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सरल से हैं ना अम्ल, आपने एक बार ये सब याद करेंगे तो ये आपके पहले पार्ट में भी काम आएंगे और आगे भी हमेशा काम आएंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको HCl कहते हैं,
नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं, एसिटिक अम्ल को CH3COOH, अभी नाम लिखा आ गया कि एसिटिक अम्ल, तो आपको सूत्र याद हो तो तुरंत लिख लोगे ना CH3COOH, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अम्ल में हमने धातु डाल दी, हमने तो यहाँ पर आपके इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 21 पर, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए, ठीक है, प्रयोग किया हुआ है, तो उसमें जो क्या हुआ कि कोई गैस निकली और उस गैस के पास मोमबत्ती ले गए तो वो गैस क्या हुआ कि आवाज करने लगी, चट 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 सी आवाज करने लगी, है ना। कभी आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा, कभी आप तेल गरम करते हैं कढ़ाई में और मान लो कोई मिर्ची है ना, उसमें पानी भी लगा हुआ है या मिर्ची डालते तो चट 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 की आवाज आती है कि नहीं आती है, या पको तो चट चट की आवाज आती है, तो चट चट की आवाज कौन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, कौन कर रही है, हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ध्वनि के साथ जलती है ना, हाइड्रोजन। तो आप इसको पहचान सकते हैं, ऐसे क्षार भी जो होते हैं वो भी अम्ल के, वो भी धातु के साथ क्रिया कर सकते हैं, क्षार। क्षार अब पहले हम ये पहचान लें कि क्षार होते कौन कौन से हैं, तो जिसमें OH जुड़ा हो आखिर में वो क्षार है, हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे NaOH और तो ये जो है, अगर NaOH जो है ये एक क्षार है, और भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से क्षार हैं, तो आपके इसमें भी एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। NaOH में हमने जिंक डाल दिया, जिंक के टुकड़े हमने जब अम्ल में डाले थे तब भी हाइड्रोजन गैस निकली थी, और जिंक के टुकड़े हमने अब क्षार में डाल दिए, ठीक है, तो अब देखें क्या होता है। तो वहां भी ऐसी चट चट की आवाज के साथ जो है मोमबत्ती जलने लगी, तो बस चट चट की आवाज मतलब ध्वनि के साथ गैस जल रही है, तो मतलब वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस निकालने के साथ ही उसने सोडियम जिंकेट बना दिया, सोडियम जिंकेट, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो गई, ऑक्सीजन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ गई, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब दोनों ही, चाहे अम्ल ले लें और चाहे क्षार ले लें, दोनों में ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है धातु से अभिक्रिया करने पे, लेकिन अम्ल जो है वो लवण बनाता है और क्षार जो है वो ऑक्साइड बनाता है, बस इतना। तीसरी चीज जो हम देखेंगे इस वाले पाठ में कि क्षार और अम्ल अगर आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, अभी तो धातु के साथ करा दी, अब हम चाह रहे हैं कि हम अम्ल और क्षार आपस में मिला दें, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और दोनों को आपस में मिला दें, तो क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक बन जाएगा, लवण, क्या बन जाएगा, लवण। लवण क्यों बन गया, लवण क्यों बन गया, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम एक धातु है, ठीक है, तो लवण में एक धातु होती है और एक अधातु होती है, तो यहाँ पर अम्ल के साथ हमने जब हाइड्रोक्साइड मिलाया, क्षार मिलाया, तो क्षार में क्या था, एक धातु थी, तो इस कारण से वो क्या बन गया, लवण बन गया, और लवण बना साथ में जल निकलेगा, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कई उदाहरण दिए हुए हैं, हम सबसे पहले लेते हैं एक उदाहरण कि
सोडियम कार्बोनेट और HCl, ये पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है। परखनली ए में सोडियम कार्बोनेट और HCl डाला। ये सोडियम कार्बोनेट जो था ये हमारा क्या है, क्षार है, और HCl क्या है हमारा, ये अम्ल है। तो उसने NaCl बना दिया, मतलब लवण बना दिया, और जल भी बना दिया और CO2 भी निकाल दिया। तो हमने मालूम है कि क्षार और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो इसमें लवण भी बन रहा है और जल भी बन रहा है, तो ये कौन सी, तो इसमें जो अभिकारक है वो कौन है, अम्ल और क्षार। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन चीजों को पहचान सकते हैं। हम सबसे एक चीज देखेंगे कि हमने अम्ल और क्षार को धातु से अभिक्रियाएं कराई थी। जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, लेकिन धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धात्विक ऑक्साइड बना देगी। ठीक है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बना देगी, धात्विक ऑक्साइड। तो ये धात्विक ऑक्साइड जो बनता है ये क्षारी होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारी। तो आप कभी कभी जब पेट में है ना एसिडिटी बन जाती है, जलन होने लगती है, तो आपको कहते हैं कि जो डायजिन है, डायजिन द्रव अवस्था में भी आता है, ठोस गोलियां भी आती हैं, कि डायजिन चूसने लगो, है ना, डायजिन देते हैं ना। तो ये डायजिन क्या है, ये हमारा क्षार है, और ये जो है हम इसको द्रव ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं। तो अम्ल को अगर हमें न्यूट्रलाइज, उदासीन करना है तो हमें उसमें उतनी ही स्तर का क्षार मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारी होते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर अधातु जो है और उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दे तो वो अधात्विक ऑक्साइड बना देती है, और ये अधात्विक ऑक्साइड कैसी होती है, अम्लीय। तो हमको यहाँ पर धातु और अधातु में एक अंतर हमको मिल रहा है कि अगर ये रासायनिक समीकरण में हम क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ तो देख ही रहे, अब अगर ये ऑक्सीजन धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये धात्विक ऑक्साइड बना देता है, और ये लेकिन प्रकृति इसकी कैसी है, क्षारी। और अगर अधातु के में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो अधात्विक ऑक्साइड बना देता है, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार में भी पढ़ने को आएगा, और धातु और अधातु में भी अंतर आप इससे कर सकते। तीसरा, जो अम्ल और क्षार में अंतर आए वो है कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल तो विद्युत के सुचालक है, लेकिन जो है क्षार विद्युत के सुचालक नहीं है। इसी प्रकार से अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल और क्षार में आप इस प्रकार से अंतर आप किताब में से देखेंगे तो आपको कई अंतर देखने में आ जाएगा। तो एक आप क्षार और अम्ल में अंतर आप लिख लीजिए, और उससे आपका ये पाठ पूरा तैयार। ठीक है, आप कुछ मत करिए, अम्ल और क्षार के भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर दोनों ही लिख लीजिए, आपकी किताब आप पढ़ना ध्यान से, आपको ये दोनों अंतर मिल जाएंगे। मैंने खुद आपको 6 अंतर बता दिए, ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुने होंगे तो। अब अम्ल और क्षार, एक सातवां अंतर जो आपको मिलेगा वो है अम्ल और क्षार की प्रबलता, पीएच पैमाना। ठीक है, पीएच पैमाना आपने सबने देखा है कि पीएच पैमाना 1 से 14 तक होता है। अगर 1 से 7 तक जो होता है, 7 तक नहीं, 7 से कम, 6.9, तो वो अम्ल है, और 7.1 से लेके 14 तक क्षार है। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में आमाशय में बनता है, उसका पीएच है 3। कैसा कि वो स्ट्रॉन्ग अम्ल है, एक प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल 6 से
6.9 तक जाएगा तो दुर्बल होगा, और 1 से लेके 3-4 तक कैसे होंगे, प्रबल, है ना, उनकी अम्लीयता ज्यादा होगी। अम्लीयता ज्यादा होना मतलब उनका पीएच पैमाने पर नंबर कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, और 5 से जब ऊपर चलने लगेंगे तो वो दुर्बल अम्ल बनने लग जाएंगे। ऐसी प्रबल क्षार कौन सा होगा, प्रबल क्षार होगा 12, 13, 14, ये प्रबल क्षार होंगे। और अगर 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्षार और अम्ल प्रबल भी होते हैं, दुर्बल भी होते हैं। तो आपको एक तो इस पाठ में ये है कि क्षार कौन से हैं, अम्ल कौन से हैं, दूसरा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार कौन से हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन से हैं, और क्षार और अम्ल में क्या अंतर है। आप इतना सा तैयार कर लेंगे तो आपका ये पाठ लगभग तैयार हो जाएगा। और लवण आप खुद उपयोग कर रहे हैं, लवण जो है आप जल में भी घोलते हैं तो लवण जो है जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा एक और आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप याद कर लीजिए बस, CaSO को इंटू मल्टीप्लाई हाफ H2O, है ना। अगर हम इसको 2 H2O लिख दें तो वो जिप्सम बन जाए, और आधा H2O लिख दें तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जिप्सम से 1.5 जल के अणु निकाल दें तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 अणु जल के जोड़ दें तो वो बन जाएगा जिप्सम। ठीक है, सूत्र याद करने में और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम पार्ट 3 पर जाते हैं, धातु और अधातु। आपको बता दें धातु और अधातु में क्या अंतर है, हमको क्या क्या चीजें इसमें से देखनी है। बहुत हम सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको सिर्फ अब उतना ही जाके घर में तैयार करना। धातु अधातु में हमने आपको, हमने खुद भी पढ़ाया था आपको ये, तो हमने आपको धातु और अधातु में अंतर करना ही बताया था, कि धातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों में अंतर करना सीख जाइए, एक ना एक इसमें से फंस ही जाएगा। ठीक है, और अगर आपको दूसरा संक्षारण, संक्षारण आपका इधर भी आ रहा, संक्षारण अभी हमने पहले भी पढ़ लिया, तो संक्षारण का मतलब तो आप समझते ही हैं, और उदाहरण दोनों जगह काम आ गया। अब हमें इसमें दो चीजें देखनी है, एक सक्रियता श्रेणी और धातु की प्राप्ति। धातु की प्राप्ति का हमने आपको बहुत अच्छा PPT दिखाया था, उसमें एक भर्जन और एक निस्तापन में अंतर करना बताया था, तो वो अंतर अगर आपने अभी लास्ट में PPT चलवा दूंगी तो आप देख लीजिएगा इसको, तो बहुत सरल है ये, और इसमें से फंसना ही फंसना है। तो आप इसको तो समझ लीजिए, आप तैयार कर ही लीजिए। अगर आपने एक अकेला पाठ तैयार कर लिया तो आपका जो है आधा हम 18 में से 10 नंबर 15 नंबर तो आप तैयार हो ही गए। ठीक है, 10 नंबर तो तैयार हो ही जाएंगे कम से कम, क्योंकि 4 नंबर के एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, 4 और भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी वाला चलेंगे तो है नहीं टेक्निक, है ना। चलिए हम फिर पार्ट 6 पे चलते हैं, जैव प्रकरण। बहुत बड़ा पार्ट लगता है, लगता है कि नहीं लगता आप लोगों को, कि इसमें पोषण भी जोड़ दिया और पौधे भी जोड़ दिए, फिर श्वसन भी जोड़ दिया, उत्सर्जन भी जोड़ दिया, और हृदय परिसंचरण भी जोड़ दिया, और पाठ का नाम कितना, पाठ कितना रखा, 1। तो हम आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहे हैं, हृदय के आपने लंबवत काट का चित्र बनाया। अब हृदय कैसे काम करता है,
तो आपको सिर्फ एरो सब चीजें बनी हुई मिलेंगी, आपको बस इतना सा बताना है कि दाएं लिंग में हमारे शरीर के अंगों से रक्त आता है। बताइए थोड़ा बहुत आप भी बताइए हमको। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बताइए, अब बताइए दाएं नले से रक्त कहाँ जा रहा है? धमनियों में। धमनियों में है ना, बताइए। जबकि धमनियों में हम कहते हैं शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ तो अशुद्ध रक्त धमनियों में जा रहा है ना। इस धमनी का नाम क्या है? क्योंकि फेफड़ों से जा रहा है, ये रक्त कहाँ जा रहा है? फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए, है ना। पास है फेफड़े और पास है फुफ्फुस, ठीक है। तो आपको याद करने में, नाम याद करने में याद हो जाएगा, पास है फेफड़े और पास है फुफ्फुस, ठीक है। फेफड़े पा में, फेफड़े में दो पा रहे हैं, ठीक है, दोनों पूरे हैं, लेकिन फुफ्फुस में एक पा रहा है और एक पा आधा है और सा जुड़ गया। फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी क्या करेंगी? दोनों फेफड़ों को रक्त लेके जाएंगी और वहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों को दे देगी। अब वहां से जो चले अब धमनी तो वापस आएगी नहीं, अब कौन सी आएगी? सिरा। लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा, ठीक है। तो नाम याद करना कोई जटिल काम नहीं है, बस हमको देखना है कि जोड़ना है किसी से, है ना, आपस में एक दूसरे से संबंध जोड़ने हैं, जिससे हमारे को नाम याद करने में दिक्कत ना आए। तो अब वो फुफ्फुस सिरा कहाँ आएगी? शुद्ध रक्त लेके कहाँ आ रही है? बाएं आलिंद में आ रही है, और बाएं आलिंद से बाएं नले में जा रही है। अब बाएं नले से अब पूरे शरीर में रक्त जाना है, और हमको मालूम है कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। हाँ, किसमें बहता है? धमनियों में। तो बाएं नले से जो रक्त जाएगा वो धमनी में ही जाएगा, ठीक है। तो दाएं नले से रक्त सिरा में जाता है और बाएं नले से रक्त धमनी में जाता है, लेकिन उस धमनी का नाम है महाधमनी, ठीक है, महाधमनी। तो आपको नाम याद करने में किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अब आपको नाम याद हो जाएंगे ना, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको नाम याद हो जाएंगे। और हमने कार्य विधि आपको बताई थी, बस चित्र को देखिए और कार्य विधि आपको अपने आप याद हो जाएगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पाचन तंत्र है, आप पाचन तंत्र का चित्र रख लीजिए आप अपने सामने, और फिर सबके नामकरण कर लीजिए, अंगों के नामकरण कर लीजिए भाई, और नामकरण के बाद उसकी कार्य विधि अपने आप हो जाएगी। भाई ये मुंह है, मुंह से रक्त जो नली में जाता है उसको ईसोफेगस कहते हैं, नली से कहाँ जाता? आमाशय में जाता, आमाशय आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत में के कई हिस्से, दो हिस्से होते हैं, डियोडिनम और एक होता है जो है इलियम, ठीक है। तो इसको दो तीन भाग होते हैं, और एक जहाँ पर वो जुड़ता है बड़ी आंत से, तो दो तीन हिस्से होते हैं। आपको उनके बस नामकरण याद, पहले नाम याद कर लीजिए, संरचना याद कर लीजिए, और क्रिया विधि अपने आप आसानी से याद हो जाएगी। बस आपको इसमें याद क्या रखना है कि अग्नाशय से कौन सा रस आ रहा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से एंजाइम है, मुंह में जो सलाइवा है उसमें कौन से एंजाइम है, यकृत से जो एंजाइम आ रहे हैं उनके नाम क्या क्या हैं, और पानी का जो अवशोषण है वो कहाँ हो रहा है, और जो भोजन, जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कहाँ हो रहा है,
तो पचे हुए भोजन के अवशोषण को स्वांगीकरण कहते हैं और वो छोटी आंत में होता है, और पानी का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में, ठीक है। और स्टार्च शर्करा में कहाँ बदल जाती है, हमारे मुंह में, सलाइवा, है ना, टॉल्यून एंजाइम। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण आप सबने पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण बड़ा सरल सा है, है ना। प्रकाश संश्लेषण में आपके सबके घरों में पौधे हैं और आप देखते हो कि रोज पौधों को पानी भी देते होगे आपको, और आप उसको प्रकाश की उपस्थिति में भी रखते होगे। तो पानी आपने दिया, प्रकाश उसको वातावरण से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको वातावरण से मिल गया, बस पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल, पत्ती तना, है ना, जिसमें भी क्लोरोफिल होगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा ही। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, क्लोरोफिल, प्रकाश और जल, ठीक है। और ये क्या बनाएंगे, उत्पाद क्या बनाएंगे, चार अभिकारक हैं, अभिकारक तो चार हैं, लेकिन जो जुड़ रहे हैं अभिकारक वो है आपस में जुड़ रहे हैं, और उत्पाद क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, शर्करा, C6H12O6, और क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, और क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है, ठीक है। 12 अणु जल के लिए थे, 6 अणु तो उसने वाष्पोत्सर्जन में ही निकाल दिए, और 6 अणु किसके निकाल दिए, ऑक्सीजन के, और जो शर्करा बनी उसमें भी 6 कार्बन है, C6H12O6। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कितनी लेंगे, 6, क्योंकि यहाँ C6 लिखा ना, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 6। हाइड्रोजन कितने, H12, तो मतलब जल के कितने अणु ले रहे हैं, 12, ठीक है, H2O, C6H12O6, O6 मतलब ऑक्सीजन कितनी निकल रही है, 6। तो हमको नाम, नंबर, है ना, नंबर याद करना इसी से ही हो जाएगा आपका, आपको बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप पहले लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिख लो जल H2O, और फिर C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। आपने देखना है कि CO2 कितने लेना है, तो हमने C6H12O6 में से ढूंढ लिया C6, तो मतलब CO2 के आगे लिख देंगे, फिर H12 तो हम जल के आगे कितना लिख देंगे, 12, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे C6H12O6 में 6 है, तो हम O2 के आगे कितने लिख देंगे, 6, और फिर जल के आगे भी हम, ऐसे आपका समीकरण आपको याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर हो गया हो तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद हो गया, थैंक यू, ठीक है। अब हम चलते हैं पाठ 10 की तरफ, वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पढ़ा तो दिए गए हैं इसलिए हम पाठ को पढ़ाएंगे नहीं, हम तो आपको तरीका बता रहे हैं कि आप पाठ को कैसे याद करें एग्जाम के पर्पस से, ठीक है। तो आपको तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। आप प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आप खोल लीजिए पाठ, आप लोग सब लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन खोल लीजिए। तो 176 पेज है, 176 पेज खोल लीजिए, और आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बहुत सरल है, इसको याद करना, आप लोग रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। अब हमें दो शब्द दिख रहे हैं, प्रकाश को छोड़ दीजिए, एक परावर्तन और एक अपवर्तन, ये पाठ का नाम है। तो यहीं से हमको एक क्या करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमको इसको कैसे समझना है। तो हमें प्रकाश, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है,
ये दो चीजें समझ ली, ठीक है। तो परावर्तन के लिए आप दर्पण ले लीजिए और अपवर्तन के लिए क्या कर लीजिए, लेंस ले लीजिए। मेरा ये लेंस है ना, इससे मैं इधर से देख रही हूँ तो आपको देख पा रही हूँ, ठीक है। देख मैं इस तरफ से रही हूँ लेकिन दिखाई उस तरफ से, उस तरफ का दिखाई दे रहा है हमको, तो ये अपवर्तन है। और इसी की जगह अगर मैं एक अपना मोबाइल ले लूं और फिर मैं आपको देखने की कोशिश करूं तो आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं लेकिन मेरा चेहरा मुझको दिखाई दे रहा है, तो यह है परावर्तन। क्योंकि परावर्तन में इसके दूसरे इस तरफ क्या है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और कोई चीज हमको कब दिखाई देती है, जब प्रकाश जो है वस्तु से होके गुजरता है। अब मेरे तरफ से इधर से प्रकाश गुजरा और इस पर जाके टकराया, हमारे मोबाइल पे टकराया लेकिन मोबाइल से वापस हो गया, तो ये परावर्तन है, ठीक है। अगर ये यही प्रकाश मेरे इस तरफ से आया और टकरा के इसके लेंस के उस तरफ चला गया, ठीक है, तो ये है अपवर्तन। नाम जब वैज्ञानिक भाषा में पढ़ते तो दो नाम बोलते हैं, इस तरफ का ये प्रथम माध्यम और ये दूसरा माध्यम, या एक माध्यम दूसरा माध्यम। तो जब प्रकाश एक ही माध्यम में रहता है टकराने के बाद तो उसको कहते हैं परावर्तन, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में चला जाता है तो उसको कहते हैं अपवर्तन। तो आपको परावर्तन और अपवर्तन को समझना है और आपको उसी परावर्तन और अपवर्तन में दोनों की परिभाषा आ जाएगी, फिर दोनों के नियम उसी में आप लिखते जाइए कि दोनों के प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है, ठीक है। आप लाइन खींच लीजिए एक तरफ और उसी में फिर आप देखिए कि उसमें प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। एक तो नियम हो गए, पहला तो हो गया परिभाषा, दूसरा हो गया उसका प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है। तीसरी चीज हो गई कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, कहाँ पर वस्तु रखी हो तो कैसा प्रतिबिंब, कहाँ पे वस्तु रखी हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब हमें ये चीज हमें पता है कि परावर्तन दर्पण में होता है और अपवर्तन लेंस में होता है, ठीक है। तो दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। इसी प्रकार से लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, गोली दर्पण भी आपके दोनों दो प्रकार के हो सकते हैं, उत्तल गोली दर्पण और अवतल गोली दर्पण। आप सबने चम्मच देखी है ना, तो अवतल गोली दर्पण है। तो ये गोली दर्पण में उत्तल और अवतल में, उत्तल लेंस अवतल लेंस में इनमें चित्र कैसे बन, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे ये आप उससे देख सकते हैं। चलिए आपको मान लो ये याद नहीं हो पाया तो हम दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के माध्यम से भी इस पे प्रश्न एक आता ही है तो हम प्रश्न को हल कर लें, ठीक है। सूत्र दोनों में बस प्लस और माइनस का अंतर है, सूत्र दोनों समान है। अब आपको देखिए दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र आप एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। अंतर हम लिख ही रहे हैं, तो दर्पण का सूत्र क्या है और लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र लिख लिए और अपवर्तन में लेंस का सूत्र। तो दर्पण में जो परावर्तन का सूत्र है वो वन है, वन बटे एफ है ना, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। लेकिन अगर यही लेंस का सूत्र वन बटे एफ, एक बटे एफ बराबर वन बटे बी प्लस वन बटे यू, ठीक है। बी होता है प्रतिबिंब और यू होता है वस्तु, तो प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, दूरी, और एफ है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एक बटे एफ बराबर वन अपॉन बी, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्लस वन अपॉन यू, ये वस्तु की
दर्पण से दूरी, ठीक है, सबकी दूरी किससे नाप रहे हैं, दर्पण से, ध्रुव से। यही अगर हम लेंस का सूत्र देखें तो लेंस के सूत्र में 1/f = 1/b तो है, लेकिन प्लस की जगह क्या लग गया, माइनस, माइनस 1/u, 1/u भी वैसा ही है। तो आप f जानते हो क्या होता है, b जानते हो क्या होता है, u जानते हो क्या होता है, बस हमको क्या करना है, सूत्र रखना है। और फिर हमें एक चिन्ह परिपाटी होती है कि जो दाहिनी तरफ बाईं तरफ जितने भी हमको नंबर मिलते हैं वो सब प्लस में होते हैं, दाहिनी तरफ जितने भी नंबर मिलते हैं वो सब ऋण में होते हैं, नहीं सॉरी गलत हो गया, दाहिनी तरफ एक हम लाइन खींच लेते हैं बीच में, और लाइन के दाहिनी तरफ जितने नंबर होते हैं वो सब धन में होते हैं, और जो बाईं तरफ होते हैं सब ऋण में होते हैं। ऐसे ही हमने एक सीधी लाइन खींची तो हमने ऐसे नंबर बांट लिए। अब हम एक लाइन ऐसी खींच देंगे, एक हम क्षैतिज लाइन खींच देंगे, तो जो ऊपर के नंबर है वो धनात्मक है और नीचे के जितने नंबर है वो ऋणात्मक है, ठीक है। तो हम इसको जो है हम कहाँ देख सकते हैं, हम प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो वहां पर इसको इन लाइनों को खींच के हम चिन्ह परिपाटी के द्वारा बी आपका प्लस में है कि माइनस में, यू प्लस में है कि माइनस में, ये हम चिन्ह परिपाटी को यहाँ पर बहुत ध्यान रखें तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आपसे कुछ याद नहीं हो रहा हो तो आप यही एक याद कर सकते हैं। दूसरा एक आवर्धन, आवर्धन भी है, आवर्धन को हम एम कहते हैं, मैग्निफिकेशन। आप लेंस लेते हो तो लेंस से है ना कोई चीज बड़ी दिखती है, कोई चीज छोटी दिखती है, तो वो उस लेंस की आवर्धन क्षमता है, इस चीज को कितना बड़ा और छोटा कर सकती है। तो m बराबर h डैश बटे h, h जो है वो हाइट है, दूर ऊंचाई है, और h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और h मतलब वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम b से लिख सकते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम u से भी लिख सकते हैं, लेकिन यही हम लेंस की आवर्धन क्षमता अगर हम नापें तो यहाँ भी m बराबर h डैश बटे h ही, लेकिन जब हम उसको b और u में बदलेंगे तो b बटे u तो लिखेंगे लेकिन माइनस में कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉरी किसका कर दर्पण का जो आवर्धन क्षमता है उसमें b अपॉन u को माइनस कर देंगे, माइनस b अपॉन u, और यही अगर लेंस की आवर्धन क्षमता लिखेंगे तो हम m बराबर b अपॉन u ही अकेला लिखेंगे। तो हम कदर देखेंगे यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक आता है लेंस की क्षमता, तो इसमें एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है, वो आपको मालूम है कि डायोप्टर है, और उसका भी सूत्र आप याद कर लिए, पी बराबर 1/f, कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। और उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती, धनात्मक होती, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती, ऋणात्मक होती। तो एक नंबर के प्रश्न आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आप प्रश्न पाठ है 12 पे आते हैं, क्योंकि ये अभी नया पाठ पढ़ाया गया था आपको विद्युत, विद्युत में हमको क्या करना है ये चीज देखिए। तो आपको अच्छा ये बताइए कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आपको समझ में आया, कैसे पढ़ना है आपको, अगर आया हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए आप लोगों को पाठ समझ में आया, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कैसे तैयार करना है, हाथ खड़ा करिए। अच्छा सियोर के बच्चों को आया हो समझ में तो हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए अच्छी बात है आपको आया समझ में, ठीक है। तो आप हम जब पाठ खत्म करेंगे हाथ हमें लगे कि आपको समझ में आ गया, ठीक है, और नहीं खड़ा करेंगे तो हमें लगेगा नहीं आया, हमें पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब दो पाठ हमारे तीन और बचे हैं। अब हम पाठ 12 धातु को कैसे याद करें कि हमें इसमें से तैयारी हो जाए हमारी, कि हमारे से इसमें से कोई प्रश्न आ जाए तो हमसे छूटे ना। तो धातु को हम जब विद्युत, तो विद्युत की जब बात हम करेंगे तो हमें विद्युत तो हम सबके घरों में आ रही इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बारे में हमको पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी,
तो आपके घर जो आ रही है उसको विद्युत धारा कहते हैं। और आपके घर में जो तार बिछे हुए हैं इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत परिपथ जो होता है दो प्रकार से तैयार किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समानांतर क्रम। अब मान लिए मैंने ये दो उंगलियां हैं, इन दो उंगलियों को जोड़ दिया तो ये जो है, और यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, ये हमारा हमने लगा दिया बैटरी, और बैटरी से यहाँ से विद्युत धारा बह रही है और ये दो तार में जोड़ दिया। तो ये दो तार, या हमने इस पर एक बल्ब लगा, एक बल्ब इस पे लगा, तो हमने जो ये जो जोड़े हैं इसको श्रेणी क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये सब उंगलियां आपस में जोड़ ली और ये एक हमारा तार है, ये एक हमारा क्या है, तार यहाँ पर, और इस तार से अब एक ये दो तीन चार क्रम जोड़ रहे हैं, चार क्रम जोड़ दिए, और फिर ये एक तार है और यहाँ से जा रही है बैटरी से विद्युत सप्लाई हो रही है। यहाँ से सप्लाई शुरू हुई तो विद्युत यहाँ भी जाएगी, विद्युत यहाँ भी जाएगी, विद्युत यहाँ भी जाएगी, तो मतलब एक विद्युत चार भागों में बढ़ जाएगी। अगर यहाँ बल्ब अच्छा है तो यहीं पूरी विद्युत ले लेगी, इसको विद्युत कम मिलेगी, इसको विद्युत और कम मिलेगी, इसको विद्युत और कम मिलेगी। तो ये चीजें जो है समांतर क्रम में है तो ये कहलाता समांतर क्रम। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम। तो आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बस अंतर याद कर लें तो इसके द्वारा आप बहुत कुछ, आप इसमें भी एक सवाल बनता है तो आप सवाल हल कर देंगे। एक नंबर के प्रश्न के लिए है कि सेल में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है कि ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हम उसको केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा। और अगर हाथ से हम कोई चीज मशीन चला रहे हैं तो हम कार्य कर रहे हैं ना, भौतिक कार्य कर रहे हैं, तो भौतिक कार्य कोई होती है तो वो यांत्रिक ऊर्जा, जैसे पंखा चल रहा है तो वो किससे, कौन सी ऊर्जा के कारण चल रहा है, वो कौन सी ऊर्जा दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा। मिक्सी चल रही है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो हमको बस छोटी छोटी चीजें हैं कि विद्युत धारा किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से, सॉरी अमीटर से नापते हैं विद्युत धारा, और इसके साथ ही विभवांतर, इन सब की हमको क्या करना है, सूत्र याद करना है। ठीक है, अब विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, क्यू क्या होता है, टी क्या होता है, आई क्या होता है, इनको इनके मात्रक क्या है, आपको ये चीजें आपको याद करनी है, और सबकी परिभाषा। इसमें एक ओम का नियम आता है, ओम का नियम आता है, वहां भी वी और आई लग रहा है, विभवांतर और विद्युत धारा। तो आपको इस पाठ में पहले हमको विद्युत धारा, विभवांतर और आवेश, आवेश को कहते हैं कूलांब, और समय, समय को कहते हैं एक सेकंड में कितना चला, हम एक सेकंड से ही काउंट करते हैं, या हम दर, एक सेकंड को दर भी कहते हैं। तो इन्हीं तीन चीजों को ही हम इस पाठ में, पूरे पाठ में पढ़ रहे हैं, एक है विद्युत धारा, एक है आवेश जिसको क्यू, और एक हमारी क्या है, विभवांतर। ठीक है, विभव में अंतर होगा तभी हमारी कोई चीज क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाह होगा, अगर विभवांतर में अंतर नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ओम का नियम है, ओम ने क्या कर दिया कि इसी विद्युत धारा विभवांतर में क्या कर लिया, संबंध कर दिया, है ना, संबंध का पता लगाया, ओम ने पता लगा लिया था, इसीलिए इसको ओम का नियम कहते हैं। तो ओम ने नियम क्या दिया था कि आर बराबर वी बटे आई, तो वी में भी परिवर्तन होगा, अगर वी में परिवर्तन करेंगे तो आई में भी परिवर्तन होगा, इसी चीज को वो समझा रहे थे। तो हम इसको ही समझ, हम इसको तैयार कर सकते हैं।
इसके लिए उन्होंने क्या कहा, अब परिवर्तन करना है हमें, धारा में परिवर्तन करना है, कभी वो विभ्रांतर में परिवर्तन कर रहा है, कभी धारा में परिवर्तन कर रहा है, तो उसने क्या कर लिया, एक नियंत्रक लगा दिया था। एक क्या लगा दिया था, नियंत्रक ओम ने, उसको धारा नियंत्रक है। तो उस धारा नियंत्रक के द्वारा उसने इसमें दोनों में संबंध स्थापित बताए थे कि बी और आई में क्या संबंध होता है, और अगर इस संबंध में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। अगर हम तार, अगर हम धातु बदल दें, तार की मोटाई बदल दें, तार है ना, और अगर हम तापमान बदल दें, तो हमारे इन दोनों में बी बटे आई में क्या परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को उन्होंने समझाया था, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब आपसे जो एक प्रश्न पूछ लिया था सवाल, कि मान लीजिए भाई इतना प्रतिरोध है, इतना प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, है ना, तो आप इसका जो है कुल प्रतिरोध निकाल लिए, या समांतर क्रम में इतने इतने प्रतिरोध है, तो आप उसका कुल प्रतिरोध निकालिए। तो इसके जो है सूत्र दिए रहते हैं, तो श्रेणी क्रम में अगर सूत्र लिखना है तो हमको एक याद हो जाना चाहिए सूत्र, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी की जगह अगर हम समांतर क्रम में सूत्र को लिखें, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, तो बस ये दो सूत्र आप याद कर लीजिए, और ओम का नियम बी आर बराबर बी बटे आई, कभी आपको विद्युत धारा विभांतर दिया हो तो आप उसको उसमें ओम में बदल सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है कर रहे हैं, विद्युत धारा का उपयोग हम प्रेस में उपयोग कर रहे हैं, पंखा चलाने में उपयोग कर रहे हैं हम, है ना, एसी चलाने में उपयोग कर रहे हैं, बल्ब जलाने में उपयोग, तो हम बहुत जगह इनका उपयोग करते हैं। तो ये जो है वो उसकी शक्ति होती है, किसी जो हम उपकरण उपयोग कर रहे हैं उसकी अपनी एक शक्ति होती है, उस शक्ति को के आधार पे वो क्या करता है, विद्युत धारा का उपयोग करता है। तो विद्युत शक्ति को हम हमेशा किस में नापते हैं, विद्युत शक्ति को वाट, वॉट में नापते हैं, उसको W से लिखते हैं। विद्युत शक्ति को किससे नापते हैं, वॉट से। ठीक है, और जो विभांतर वोल्ट, कितनी वोल्ट की ऊर्जा जा रही है, उसको V से नापते हैं, और वोल्ट। तो आपके घरों में जो ऊर्जा विद्युत जा रही है वो 220 वोल्ट की जा रही है, कितने वोल्ट की जा रही है, 220 वोल्ट। लेकिन आपके उपकरण की क्षमताएं अलग अलग हैं, आप चाहे तो 100 वॉट का भी बल्ब लगा सकते हैं, आप चाहे तो 1000 वॉट का भी बल्ब लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमें कितनी विद्युत धारा ये बस उपकरण उपयोग कर रहा है, इसको ज्ञात अगर हमें करना है तो हम क्या करें, एक सूत्र आता है A बराबर W बटे V। ठीक है, उपकरण के वॉट कितने, वॉट का उपकरण है, और आपके घर में बल्ब कितने, जो वॉट आ रहा, वोल्ट आ रहा, वो तो 220 का आ रहा है। 220 से अगर मान लो आपने 1000 वॉट का बल्ब लिया और 220 से उसको भाग कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितनी विद्युत धारा, कितनी विद्युत ले रहा है। ठीक है, तो वो लेगा 4.54 एंगस्ट्रॉम, तो इतनी धारा वो लेगा। तो हमको इससे हम उपकरण कितनी बिजली खा रहा है इसका पता हम लगा सकते हैं, इस पर भी प्रश्न आते हैं। तो आप इन चीजों को, विद्युत धारा का तापी प्रभाव, विद्युत धारा का, विद्युत शक्ति, ये तीन चीजें जो हैं, आप इसके माध्यम से, पेज नंबर है आपका 243 और आपका आप 240 से देख लीजिए, 240। ठीक है, 240 में आप P जो है आपको सबके
आपके वो देख लीजिए कि क्या क्या चीजें उपयोग की गई है। पी उपयोग किया गया, वी किया गया, क्यू किया है, टी किया है, एच किया है, आर किया है, तो इनका इनका नाम लिखना आना चाहिए। पी मतलब क्या होता है? विद्युत शक्ति। वी मतलब क्या होता है? वोल्ट। क्यू मतलब क्या होता है? आवेश। टी मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पीटी बराबर वी क्यू है, मतलब जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है उतनी ही उसकी शक्ति होगी। किसी शक्ति कितनी होगी? जितनी ऊर्जा उसको मिलेगी उतनी तो शक्ति होगी ना उसके पास, की कोई ज्यादा शक्ति पहुंच जाएगी। जितनी हम ऊर्जा देंगे वस्तु के पास उतनी ही शक्ति होगी। इसमें बदल सकते हैं, ताप में भी बदल सकते हैं, इसको प्रकाश में भी बदल सकते हैं, इसको हवा में भी बदल सकते हैं, इन आधार पे हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप इसका विद्युत धारा का कहां कहां उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उस आधार पे आप इस छोटे से पार्ट में आप एक तरह तो समांतर या श्रेणी क्रम में देख लीजिए तो उसमें से एक सवाल आ ही जाता है और एक सवाल यहाँ से भी आ सकता है। और अगर आपको ये सवाल नहीं करना है तो आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर आ जाता है, सबकी परिभाषाएं याद कर लीजिए तो आपका, या ओम का नियम याद कर लीजिए तो आपका काम हो जाए। अब पाठ 13 पर चलते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस पर चलने से पहले आपको ये पाठ जो है बहुत कठिन पाठ है जो हमने अभी विद्युत पढ़ाया था वैसे याद करने में, लेकिन अगर आप इसको 2-3 भागों में बांट देते हैं तो आपको ये पाठ आसानी से तैयार हो सकता है। एक तो हम इसकी परिभाषाओं को इसमें बांट दें विद्युत वाला पाठ को, दूसरा हम इसके इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बांट दें, तीसरा हम इसको सवालों में बांट दें, हम सिर्फ सवाल सवाल इसके हल कर। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर दें। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अब यहाँ पर चुंबक और जुड़ गया। अभी तक हम विद्युत धारा को उपकरणों में ही विद्युत धारा का उपयोग कर रहे थे, अब वो क्या हो गया कि चुंबक और ला दिया इस पाठ में। अब चुंबक चुंबकीय प्रभाव, चुंबक का क्या प्रभाव पड़ रहा है विद्युत धारा पर, तो इस पाठ को हम अगर इस तरीके से समझें तो ये पाठ बड़ा सरल बन जाता है। और इसके इसको चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सहयोग किया। सबसे पहले मैक्सवेल ने स्क्रू का नियम दे दिया, फिर दक्षिणी दाहिने हाथ हाथ और अंगूठा, हाथ और अंगूठा एक नियम ये बना दिया। हम तो इनमें नियम ही नियम देख लें, सिर्फ नियम नियम देख लें। पहला था मैक्सवेल का स्क्रू, सबने स्क्रू टाइट किए होंगे ना, सभी ने किए होंगे कभी ना कभी स्क्रू टाइट किए होंगे, है ना। तो हाँ, तो मैक्सवेल का स्क्रू नियम है, और फिर है दाहिने दाहिना हाथ है हाथ और अंगूठे का नियम। ठीक है, तो अगर अंगूठा जो है वो धारा की दिशा बता रहा है, अंगूठा क्या बता रहा है? धारा की दिशा। तो धारा के चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो ये बता रहा है दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि अगर अंगूठा धारा की दिशा की ओर प्रदर्शन कर रही है तो जो ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां चारों दिशाओं में, मतलब ये ऐसे जहां से उंगली जा रही ना इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ। ठीक है, और चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती है, कहां की? नॉर्थ से साउथ की ओर गति होते हैं ना, तो कभी भी उत्तर की ओर सिर करकर नहीं सोना चाहिए या दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये हमारे यहाँ है ना, बोलते हैं ना, माता पिता बोलते हैं ना,
कि पैर दक्षिण की तरफ पैर मत करो। आप लोगों ने कभी प्रश्न किया हो कि क्यों नहीं करें, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है क्यों नहीं करें, है ना। तो इसका कारण यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की, और अगर हमने पैर उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ कर दिए तो चुंबकीय बल रेखाएं हमारे सिर के अंदर से होते हुए पैरों की तरफ निकलेंगी, तो उसके कारण से हमको अच्छी नींद नहीं आएगी। अगर दक्षिण की तरफ होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं पैरों से सिर की ओर निकलेंगी और सिर से बाहर निकल जाएंगी, तो हमारा सिर जो है दिमाग में भी चुंबक है ना, तो ज्यादा विचलित नहीं होगा दिमाग और अच्छी नींद आएगी, ठीक है। ये है इसका कारण। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम स्क्रू वाला है कि अगर स्क्रू हम जब टाइट करते हैं ना तो स्क्रू अंदर की ओर जाता है, तो ये स्क्रू जो है विद्युत धारा जो अंदर जा रहा है वो विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है। तो हम हाथ से ऐसे ऐसे घुमा रहे ना ऐसे ऐसे, तो ये जो हाथ जो गति कर रहा है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। बस यही दोनों बताना चाह रहे हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, अब देखिए मैंने आपको बोला कि आप सब सबके नियम चार नियम है, चारों नियम याद कर लीजिए और आपका काम हो गया, आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दो नियम आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए, हाथ खड़ा करिए। फ्लेम मैक्सवेल का स्क्रू नियम आपको समझ में आया, क्या बताना चाह रहा है मैक्सवेल का स्क्रू नियम, कि स्क्रू जो गति कर रहा है वो विद्युत धारा की ओर प्रदर्शित कर रहा है, स्क्रू गति कर रहा है। स्क्रू हम जब है ना, मान लो हम लकड़ी में घुसाते हैं या हम दीवार में घुसाते हैं तो दीवार के अंदर जाता है ना, तो स्क्रू की जो गति हो रही है वो क्या रहा है, धारा की दिशा को बता रहा है। तो जो हम जिससे स्क्रू टाइट कर रहे हैं की दिशा बता रहा है, ठीक है। इसी चीज को तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे अंगूठे को ऐसे कर लीजिए कि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो,